कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई सुपर मॉडल नहीं है, वेरी स्टाइलिश है उसकी ड्रेसिंग, सारी चीजें देख ली। बैठने के लिए कुछ लूं? प्लीज जी, काफी हां बैठिए प्लीज, बैठिए। हाय हाय। हां ओह माय गॉश, हेलो हेलो, ओह माय हाय हाय मैम, हाउ आर यू? मुझे लगता है ये बर्ड्स वाली कोई आई थिंक शी इज अ सुपर मॉडल राइट? मुझे तो कोई सुपर मॉडल लग रही है। एंड ओ देखो उसका सनग्लासेस, किसी हाई फाइव ब्रांड के शूज एंड बैठने का स्टाइल, सीरियसली बहुत प्यारे हैं सैम। आई लाइक ओ माय गॉड, मुझे तो ये कोई बाहर, मुझे लगता है किसी हॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज, मुझे लगता है टॉम क्रूज के साथ भी फिल्म की होंगी। एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, लेकिन पता नहीं यार, जैसी बात है इतनी बड़ी मॉडल है तो ऐसे थोड़ी बात करेगी। एक्सक्यूज मी, इनके पर्सनल कोई असिस्टेंस या कुछ ऐसा नहीं होगा जिनसे हम अब बात करें? कैसे हम इनसे बात कर सकते हैं? आई आई डोंट। हाय हाय, हेलो, आपका नाम? हेलो, माय नेम इज साधिया गोल। ओह साधिया गोल, हैव अ सीट प्लीज। ओह माय गॉड, हैव अ सीट। थैंक यू भाई, गेट ऑन और कैमरा से पर खलोती हूं। ओके ओके, तो सा के सोने बडेरियां तो नहीं, इसको नहीं दसी किसी ने कार में मां नचना बंदा चा पूछना कोल्ड ड्रिंक पूछना मारा दिमाग खानियां पियो। एक कहानी कुदरू आयो दूसरी आनी, व्हाट इज योर नेम? मारे कपड़ा तो क्या लगना मैं मार ना थई ते मैं मार ना समझी गई मैं सनी गल, पर मैं विचू थई देसी हां। शुक्र साधिया, मैं तो कायनात में परेशान थे, सुपर मॉडल ये हमारा स्टाइल ग्लासेस एंड वॉक, मैं तो कुछ सुपर सुपर मॉडल आई यार, तेरा स्टाइल जी ये तो आपने ना लेनी है सैम, मैं ऐसा परेशान हूं। व्हाट डू यू मीन ना लेनी है? What do you mean लालनी है? Actually जेड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने ना लोग, वो तकने इसी तरह लगने हो रहा है। कितने मॉडल हो से लंडे को लुक कपड़े किन किन था बाई बाई कहता मॉडल तो नहीं ना, इसका होना तो अंदर देसी ना। बिल्कुल ये गलत है, मैं समझाई नहीं है लोगों, क्योंकि असा पता है लोग अंदर लबास देख के समझी पूरी पर्सनैलिटी को साथ ए ई में बंदा से मैं जिस तरह मिलो अब तक खुद बहुत पता चल रहा है कि क्यों ये इंसान है, और बंदा सोचे कि ना कि हाँ इतना एटीट्यूड डाला उसी, इतना ज़्यादा एटीट्यूड उसी उसी, लेकिन जब मिल सा गल कर सा तो पता चल सी बंदा कितना। देखो साधिया असे ऐसा क्या समझ जैसे साधिया की, माशाल्लाह। बट डू यू मीन क्या समझ रहे हैं? मतलब साधिया हम तो कुछ साधिया तंत्र बिल्कुल देसी सारे अंग है ना। बिल्कुल पता है क्या, जो तो मैं भी नहीं ना मॉडर्न कपड़े पानी, मैं जिसकी भी तकनी होनी से ना लंडे तो कपड़े की नहीं था बण होना सी ना, फटी हुई पैंट बनी होनी सी, फटी हुई शर्ट, मैं उसकी यहां तकनी होनी से, मैं सब कितना मॉडर्न है। तो जिस टाइम बोलना है ना उन्होंने उन तो सकी पता बोलने को सुना है, पता है यहां बैठे हो ना फोन की दावा सीन पूछनी भी हो सन, वेयर इज डैड, वेयर इज डैड, बस उस दिन तू मेरे दिमाग आया कि हूं मैं भावे पेंडू हाँ भावे ग्रामा ली हाँ लेकिन कपड़े मैं मॉडल भाषा सैम। मुझे ना सादी की एक बात बहुत अच्छी लगी, देखो इतनी मॉडर्न हो के इसने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने कल्चर को नहीं भूली कि भाई मैं जो सीधी जी गाली भाई अपने कल्चर ही नहीं भूली। कल्चर सा किस तरह भूली सकने हैं? देखो असानियां दादियां नानियां फुफियां सारे इन्हीं ने कपड़े बाने ना, लेकिन जो बोलने तो साढ़े आ रही है ना, इंसान ही होना जरूरी नहीं होना कोई पैंट बाइक कहता है जड़ा तो नवाब हो गई या टाई लाई कहता है बड़ा हाईफाई हो गई। लेकिन सैम ने जिस तरह गल यह कि मतलब जितना टाइम तुम स्पेंड कर सो सी पता लगी गछड़ी ना कि वह किस तरह ना बंदा होना। तो मेरे ख्याल इतना बड़ा एक अजीब जिया एक प्रेशर है जें आदे ना सराय के पेंट को पतलून आदे ना मेरी डारी के सारे अब वो पतलून पाई हुई है तीन, ये मतलब है कि वो इन्हें वैसे कोई अलग नहीं झा गोलू यार ये बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि उनका एक्सेंट हो माय गॉड मैं जी आने बैठा ये नहीं करना। Exactly. अगर सलवार कमीज ही छे आपरे कल्चर वाले पास है या जो भी, लेकिन आखिर ने मतलब तो को अंदर देसी होना चाहिए, ठीक है? ए नहीं है कि तुम जींस टॉप आ गए तो तुम अपने अंदर देसी अपना खूबसूरत कल्चर कोई मार दियो, ए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जींस टॉप भी कैरी कर लेकिन अपना आप ना भूलो।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਿਆ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੀਕ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਕਪੜੇ ਪਾਈ ਕਿਦੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਣੇ ਇਸ ਕੀ ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਸ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਣਾ ਇਹ ਕਪੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਫਿਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਗਿਛਣੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਡਰਨ ਕਪੜੇ ਬਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਂਡੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿਤਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੋ ਫੈਸ਼ਨ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੋ ਆਈ ਯੂ ਨੋ ਔਰ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਇਵੈਂਟਸ ਪੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਕੋ ਇਤਨਾ ਕੂਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਪੇ ਫੋਕਸ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਯੂ ਨੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਬਸ ਅਬ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਾ ਕਹਾ ਯਾ ਇਵੈਂਟਸ ਕਾ ਕਹਾ ਤੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਉਨਕੋ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਯੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਯਾ ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਭੇਸ ਸਾਥੀ ਅਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਯੂ ਨੋ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਤ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਕੈਸੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਫਿਰ आपका शो ना हमेशा देखती थी मॉडर्न कुड़ियाँ तो लाइक मैं बड़ा ना वो सोचती थी कि मैं कब कैसे और कहाँ से मैं ना इस शो पे एंटर हूँ इसीलिए लाइक जैसे मैं आई तो आपको एक शॉक योर वॉक स्टाइल योर टॉक स्टाइल एंड आपका बैठने का स्टाइल आपके कपड़े यू नो आपका ड्रेस ओ माई गॉश ईच एंड एवरी थिंग बहुत कूल सुपर कूल थैंक यू तो ये सारी चीज़ें और आपको हमारे शो में आने के लिए मॉडर्न कुरियाँ मुझसे मिलना फिर कायनात से मिलना ये सारी चीज़ें एंड माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू अभी से फूड में क्या पसंद है फूड किस टाइप यू नो अब डाइटिंग प्लान तो आई नो हार्ड चलता ही रहता क्योंकि आए दिन हमारे कायनात आपके हक होगी आए दिन शूट सारी चीज़ें चल रही होती तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी मतलब कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कुछ ना कुछ मैं करती हूँ लाइक डिफरेंट जैसे कि खाने के फूड हाँ डाइटिंग प्लान मतलब पराठा देसी घी वाला पराठा यू नो और मेरी मामा जो है ना मैं उनको कहती होती हूँ कि मुझे ना जो आलू वाला पराठा ये चीज़ें मैं ये चीज़ें खाती हूँ मुझे शौक है और फ्रूट चाट भी मैं ज़्यादा खाती हूँ दिखने में मुझे ऐसा लगता है कि शायद यू ना मैं बहुत अलग सा कुछ खाती हूँ हम तो जैसे मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है हाँ मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा भी खाती हूँ लेकिन मैं देसी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ देसी चीज़ें अच्छी नहीं मैं मॉडर्न लेकिन खाती मैं देसी ना पूरा सुबह सुबह पूरा था पराठा देसी मक्खन चूरी यू नो लाइक देसी घी जब आपका गरम गरम एक ग्लास हो दूध का और उसमें हमने यू नो देसी घी डाल के मिक्स किया हो देसी घी यम्मी यस देसी घी जो अभी शहर में मिलता ही नहीं कहीं से देसी घी व्हाट इज दिस देसी घी सादिया अपनी जुबानी से समझा से समझ ली इसने वापस अच्छी मैं देसी घी देसी घी क्यों होना ना क्यों देसी क्यों करे ना देसी हमारे साथ जितने हमारे देखने वाले नाज़रीन है तो उनको यू नो थोड़ा स्टाइलिश हमारे साथ कॉल पे स्टाइल स्टाइल इंग्लिश में बात करना लोग ये ना समझे क्या लगते इनको कुछ भी नहीं आता ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक ठीक कौन हमारे साथ और कहाँ से कॉल की कैसे हैं आप लोग ठीक हैं हम लोग बिल्कुल ठीक हैं आपका नाम बड़ी अच्छी डिस्कशन जा रही है आपकी थैंक यू सो मच आपने अपना नाम नहीं बताया मेरा नाम जहीर है मैं नेवल एंट्रेज इस्लामाबाद से जहीर आपने हमारी डिस्कशन भी सुन ली राइट
क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी जी, क्या कहना? बड़ी अच्छी डिस्कशन जा रही है, इसको कंटिन्यू रखें, लोगों को नसीहत करते रहे और खुद भी नसीहत करें। सॉरी क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। हेलो हेलो मैडम, सर आपकी समझ नहीं आ रही प्लीज। लोगों को भी नसीहत करते रहे। लोगों को क्या करते रहे यार, ये जो टीवी को वॉल्यूम अच्छा, लोगों को नसीहतें करते रहे, ये बोला समझ नहीं आया क्या बोला। हाँ ये वाली बात, लोगों को नसीहतें, ठीक है हम सारी इस बात सारे हमारी जो कॉलर्स होते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारे पीपल्स हैं, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनको आइडिया है कि हम किस टॉपिक पे हम किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं बट देसी तो हम हैं, देसी तो आई नो दैट आप कुछ भी आप जैसे आई नो दैट आपको टाइमिंग चीज़ें सारे कितना कुछ करना पड़ता है। अच्छा मुँह टेढ़ा नहीं हो जाता सीरियसली, बोल बोल के कितना बोल सकते हैं, कभी हुआ है ऐसा किसी ऐसे इवेंट पे जाना फेक हंसना? ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, बिल्कुल फेक हंसना पड़ता है लाइक फोटो शूट के लिए, यू नो कभी यूं कभी यूं कभी यूं, अजीब अजीब से मूड चीप से बनाने पड़ते हैं, यू नो लाइक मैं प्रोड्यूसर से भी बहुत ज्यादा तंग आ जाती हूँ कभी क्या यू नो लाइक मैं सबसे ज्यादा जो है वो मैं ब्राइडल शूट करती हूँ, यू नो, और फिर मुझे उसके लिए ऐसी जूते पहननी पड़ती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब हमारे गांव में असान ग्रां तक की नो बाहर जुनिया ने ये जूतियाँ बाहियाँ तो ये जूती पाई के अगर से ग्रां जुटसा ना तो पुठे हुई जिस तरह आए तो आई नो आपको जाना भी तो होगा ना, आपके इवेंट्स कॉल्स आ रहे हैं। एक्जेक्टली, मैं कहती हूँ और भी जाना चाहिए, हमारी मीटिंग्स या मैं यहाँ करनी है ना सादे, बिल्कुल एक्चुअली पता सादे प्रॉब्लम के, क्योंकि एक्चुअली हमने भी तो आगे शो करना है तो आपको इसलिए नहीं 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 एक्चुअली मेरे को टाइम था भी कोई मैं सने शो और ज्यादा मजीद ना भेज सकनी तो मैं रोकने की कोशिश भी ना करें नहीं नहीं हमने रोक सकते बिल्कुल ही ना करें ठीक है ओके आप जा सकती हैं क्योंकि हम ऑनलाइन पे हम इसलिए रोक सकते हैं कि शो भी करना है। ओके बाय ओके यस 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 ओके बाय बाय फाइनली बाय फाइनली ओके सी यू ओके कायनात ब्रेक पे यार मैं थोड़ा रिलैक्स हो लूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है, ब्रेक पे चले जाओ। हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। खूबसूरत सा ये कपड़ा लाइक सिंधी स्टाइल स्टफ भी बहुत अच्छा, थैंक यू। तो वो बड़ा लुक है, डिफरेंट लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक फ्रॉक इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क और ये लाइक सिंध का जो सिंध का कल्चर हैंडमेड सारा काम ना सारा, यह पता क्या था उसकी वजह से ना, जो क्या नाम था सादिया, क्या नाम था, अलीशा गोल की वजह से तो बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया, इतना प्यारा ड्रेस पहनो, मैं था नहीं की बालों की ना मेकअप की, वो ही ना बोली जा रही थी यार सीरियसली, पता चला तुम उसके जूते देखे थे आपस में गाली वैसे रतियां जूतियां कौन लाना, इतनी अजीब अड्डे लाई थी अच्छी रतियां, नहीं तो बताया नहीं करनी, ठीक है नहीं हां मैं तो लगा कि सीधे 50 रुपए में चाहिए तो टैंक भी लेता है इतना कोई बंदा उबरता है वो है ना इधर अच्छी था एक तो शायद सो बढ़िया ही अब और ऐसे बोलने ना मौका भी नहीं देनी थी। अच्छा पहले मैडम आई ए वॉक न्यू वॉक एक्शन मारे मैं तो समझे कुछ मोर सुपर डुपर हाई फाई मॉडल आई मॉडल आई बैठी है जिसने वहां पर उसे गल के मैं यार ये के बंदा आवे तो आप स्टाइल च गल करो ना लास्ट में फेक चीजें दिखावनी है लेकिन अच्छा देखो आज हमारे देखो
ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड यू आर ब्यूटीफुल एंड तो आज किस कल्चर पे रिसर्च की है सैम? जैसे हमारे खूबसूरत ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, हमने जो है वो सैम ने खुद ड्रेस अपना डिजाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सैम का ड्रेस। और इसी से रिलेटेड सैम आज हमारा जो खूबसूरत कल्चर है, ठीक है, जिसपे हमने थोड़ी बहुत सर्च किया है, तो वो बहुत प्यारा कल्चर है जो सिंध, हमारा खूबसूरत सिंधी कल्चर है। क्या हसीन कल्चर है। और कल्चर की बात की जाए और सूफिया इकराम की बात की जाए, वह हिस्ट्री की बात की जाए, आपको सिंध में ही मिलेगी। और एक और सबसे बड़ा उनका जो कल्चर है, सारे कल्चर की बात की जैसे उनका रस्म और रवाज, उनका रहन सहन, और जहाँ कल्चर की बात हो रही है, और उनका सबसे एक उनकी अलग ही पहचान है। अलग पहचान इस तरह से है कि आप दूर से पहचाने जाते हैं कि ये सिंधी लोग हैं। और उनकी शादी में सबसे जो खूबसूरत कल्चर पता है कौन सा? वो जो आईना देखते हैं। वाह, सीरियसली, वो खूबसूरत अंदाज। दुल्हा दुल्हन जब शादी उनकी होती है तो वो सामने एक मिरर रखते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जबरदस्त। और थोड़ी सी और तुम बताओ फिर यार। उनका मैंने ना एक कल्चर जो मैंने देखा है उनमें ये होता है कि वो जब लड़की की शादी होती है उसको वाइट पूरा वो चूड़े का सेट देते हैं, यू नो, वो इतना खूबसूरत लगता है। और एक उसका बहुत खूबसूरत ड्रेस डिजाइन किया जाता है, जबरदस्त। वो हैंडमेड ड्रेसेस मतलब उसमें उसको सारे दिए जाते हैं वरी में, बहुत डिफरेंट उसके स्टाइल होते हैं और बहुत खूबसूरत उनकी जो टोपियां होती हैं सिंधी, मुझे बहुत पसंद है। खासतौर पर मुझे सिंधी अजरक बहुत पसंद है। सिंधी अजरक, और जहाँ सूफिया की बात हो रही है, जहाँ की पहचान है शाह भटाई, जो सिंध की पहचान है, सिंध की पहचान है शाह अब्दुल लतीफ भटाई, ठीक है, बहुत खूबसूरत, तो ये पहचान है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सिंध से उनका भी आबिदा परवीन हमारे पास आ जाती है, शादिया खुश और अच्छे सनम मारवी, इतने खूबसूरत एक्टर्स देख लो, गुलकार देख लो, सारी आपको रंगीनियां सिंध में ही मिलती हैं। और सिंध में इत्तेफाक जाना होता जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे देखते। कॉल पे हमारे साथ कौन है? कायनात कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी सी आवाज आई हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी, और आपका नाम क्या है? मैं मिसेस खुर्शीद बोल रही हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद तू बोल दे भी हो आंटी, पाड़ी हो? ये हाल है, ठीक हो? मैं ठीक, तुसा सुनाओ ठीक हो? शुक्र है अल्लाह ना, ठीक ठाक। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दुसाना प्रोग्राम सकने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आज जोड़ा सड़ा कल्चर है उसने बारिश की शाख सब कल्चर ने बारिश में आखा के दिख असा ना कल्चर है तो सा शादियां निभाइयां क्यों करने पे उसने देखने से बाद। सॉरी, समझ नहीं आई मेरी सोनी गल। शादियां ने देखने से बाद तो अपनी बुराइयां क्यों करने पे हो? ओ बुराइयां दे ना आंटी, असा खाली दसने से आ के भाई अगर तुसा थे हो मॉडर्न, अगर तुसा देसी हो तो तुसा किया इस तरह फेक पर्सनालिटी बन दा फिरने पे हो। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आंटी हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सराइकी में बात करूं समझ आ जाएगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सराइकी बोल ना। बस मैं सराय की स्थान गल करेंगी, ऐसा कहें बुराई था नहीं करेने पे, ऐसा एक उम्मे गल करें दे पे हैं कि थोड़ा इंसान को थोड़ा बोलना चाहिए, सही गल करें दे पे आस है। एदा उबर दी, इतना उबर दी कि ऐसा आखे कि असारा पता मेन मकसद है कि जो तो सही में ना तो सऊवा बढ़ के आओ है आंटी। अच्छा मेरी गल सुनो, आज घर च कैसे पकाई वे? घर च कैसे पकाई इस टाइम कुकिंग दैट कितने लोग हैं? सिर्फ सडू नहीं है, टोटल मिला के 17 बढ़ते हैं ऐसा, मतलब कि निक्की निक्की जेडी देग है ना जी, बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है?
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जहाँ हम सिंध की बात कर रहे हैं वहाँ हम रंगीनियों की बात कर रहे हैं, तो जाके हम रंगीनियों को देखते हैं। ज़रूर। और सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, चलकर हमें देखना चाहिए। खूबसूरत सा जी रिसर्च, हमारी खूबसूरत टीम बैठी होती है जो इतनी सारी चीज़ें लेकर आ रही होती है। चल कर खूबसूरत जी, आज हमारे कल्चर सिंध पे बात हो रही है, तो सिर्फ बात नहीं करते, जा चल कर देखते भी हैं। आइए। ब्यूटीफुल, मैं को तो कितना अच्छा लगा ये घर की डेकोरेशन लिखी है। हाँ, कलर स्कीम और सारी सराय की जगह खटड़ा खटड़ा में मंजी सराय की चादर खटड़ा भी चारपाई खट 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 ना वे चरपाई की खट आखने। अच्छा खट आ दे। अच्छा सारी सराय की जना डिफरेंट थोड़े इलाके चेंज थी वे ना, जी में मंजी भी आ दे, खट भी आ दे, खटड़ा भी आ दे, जी में हुने में लिखा है ओ खास जे उच्ची वाली नहीं होती चार पाई वाली जी बेन वाली होनी खटड़ा दे। खटड़ा माचा भी आ दे ना, मुख्तलिफ जबान है खूबसूरत, ते कलर दिखे नहीं, कलर बहुत खूबसूरत और मजे ने कलर उन्होंने सही ना, ब्राइट कलर उन्होंने विच चुने और बहुत खूबसूरत उन्होंने थाना टोपी दिखी सी, मी टोपी बहुत पसंद है। अच्छा एक खटड़ा दे ना जे उच्चे जे पाए होंदे ना, ते जी निक्की वाली मंजी होंदी को मंजी सा दे, तो सके याद वे असा भी मंजी या खट मसे के खट आई ने मंजी या है ना वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मुकद्दस इस्लामाबाद से। हाँ मुकद्दस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो मुकद्दस, कैसी हैं आप? मैंने कहा ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम मुकद्दस। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्यों मेरी बहन उदास हैं आप? नहीं उदास नहीं हूँ, लग तो यही रहा है कि कुछ उदासी मुझे फील हो रही है। नहीं थोड़ी थोड़ी उदास लग रही है मुझे, क्या जोश में बात करो, खाना शाना खाया डाइट पे तो नहीं हो? नहीं। ओके खाने को फाइट की तरह खाया करो यार, कुछ क्या कहना चाहोगे, जोश में चाह रही हो बात करो मेरे साथ। मुकद्दस क्या हो गया? सेल्फियां ले रही थी, फिर आपको पता सोशल मीडिया पे भी तो डालनी होती है ना, पोस्ट करनी होती है सोशल मीडिया, यू नो सोशल मीडिया कितना फास्ट हो गया मीडिया, बहुत फास्ट हो गया यार, मतलब आप देखो आपको कुछ भी सोशल मीडिया पे फैशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, फिटनेस से, दुनिया में क्या हो रहा है पूरा आपके फोन में सारी चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल आपको यूं अच्छा मतलब डाल लो सारा डिफरेंट बैंड सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन टोपी 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 कटे सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੈਚ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੈਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ
कैट वॉक जो होती है वो मॉडल जो पतली पतली लड़कियों के लिए होती है, इतने बड़ा मॉडल के लिए नहीं होती। हम रैप ने हमें तुड़वाना नहीं था अपना रैंप वॉक। की गाल है आज मुड़ा है ना गंदा क्यों है, कुछ अच्छे ऐसी है देते हैं। चेक करिए जरा तू खबरदार जी सबर बैठे हैं, खबरदार जी सबर बैठे हैं। तुम्हें दस तू इधर करना क्या? अच्छा इंडी एनी इज देयर यू सोफे द बैड जो नहीं सोफे खबरदार पीछे पीछे सॉरी सॉरी पीछे नो वायलेंस खबरदार जी थाए दे। ओह गॉश हाले तक है मेरे खूबसूरती से शहर दे विची रो मुब्तला ने एडी उफ वखरी उर्दू बोल रहा मैं आज। नहीं मॉडल कहां से, तुम मॉडल नहीं पूरा एक मॉडल हो। मॉडल तो पतली पतली होते हैं। मॉडल हो यार मॉडल तो कोई गाल नहीं ना, फिर मैंने कितने रख लियो प्रॉप्स यार दी समझ के म्यूजियम में रखना चाहिए ना वैसे। वो भी कायनात वाले फिर निकाल दें क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जगह चाहिए, म्यूजियम में ऐसी चीजें नहीं होती। सो प्लीज यूनिवर्स पर ये जुकता तो नुआर इन खैर मैं क्या मैं भी वॉक कर सकना इन इस अब डस कैच वॉक में की थी। रैंप वॉक नहीं तोड़वाना था मैंने प्लीज। ऐसे क्यों रैंप तो सिर्फ रेड कारपेट पाया है थी। रेड कारपेट इवेंट्स के लिए होता है। चेक कर जरा फैशन। लास्ट टाइम नहीं भूलेगी मूला मत्था दे जिन पाड़ू लथा पता ना केड़े कुतु कुतु केड़े पाड़े चो निकलता है तू। गाल सुनना ए तू शगुफ्ता दे शहर च क्यों आ गई की मेरा मतलब है शहर की हालत है। बड़ा वधिया सूट पाया है की होया क्रॉप कर दे रहा हूं अपनी डोनी दे छी। अच्छा चल इडिया इते किद इते शगुफ्ता शगुफ्ता क्यों आ दे इडे मेरे सामने आ। हैं हां जी बोलो आज केड़ा तू साउंड अंदर फिट कर रहा है। अच्छा मैं ड्रेस दी गाल कर रही जबरदस्त की ये हाला जेड़ा है ना ए बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है जिसे लगा ना तेरे मथे चेहरा फोड़ा सामने निकल सी। हाँ ये तेरी एक्शन ही ना सारे बाहर निकल। वैसे मैंने लगता बचपन से नाजरीन को लैला लाल चिड़िया मार दी हों से थोड़ा पता है तेन। अच्छा खैर मैं बैंड तो दियो हूं। नहीं नहीं मेरी इज्जत चकला हूं ना बैठ जाओ बी सीटेड बी सीटेड। मेरी इज्जत है जो सा खड़ोस हूं। ओ माय गॉश इज्जत का so much hotness in that was where har wari ai kehna nazreen mein hun pata chalya mausam ta kasoor nahi ela de utte wala dimag portion hi bade garam nahi main ta utte wala dimag ne set karne se call aayi chup kar acha acha call mere paas se aayi meri kami se tere waste call aayi assalam alaikum call lo yaar please wa alaikum salam kya hal hai kainat baji main theek aap sunaye kaisi hain kaun baat kar rahi hain मैडम बात कर रही हूँ जात कश्मीर से। आप कैसी हैं? आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच इरम। इरम आज हमारा खूबसूरत कल्चर उसके ऊपर कुछ बोलेंगी? बस ये सेम के हवाले से है ना इरम। अच्छा इरम ये बताएं करती क्या हैं आप? मैं कुछ भी करती घर में होती हूँ, घर के काम करती हूँ। बहुत बड़ा काम करती हैं इरम। तो ये मेरे सब घर वाले देख रहे हैं, मेरे ससुर देवरानी मियां आपको बहुत शौक से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सैम से बात करना चाहेंगी? मुझे आपसे बात करने का शौक है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं? घर पे रहती सबसे मुश्किल काम है। हाँ ये तो है क्योंकि आप एक घर घर को चला रहती हैं। आपको मालूम है जो कुछ नहीं करते वो बहुत बड़ा कमाल करते हैं, राइट? नहीं घर में रहती है तो बहुत से काम करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और आप घर की हेड हैं तो हेड के पास सारी पावर्स होती हैं। आजाद कश्मीर रहते हैं, गांव का इलाका, ये बहुत जबरदस्त खूबसूरत इलाका। इरम आजाद कश्मीर की कोई चीज बताएं आप, क्या खास वैसे कुकिंग में क्या खास बना लेती हैं, क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। कोई एक फेवरेट डिश हो जो आप बहुत अच्छी बनाती हो? बिरयानी। जबरदस्त। बिरयानी बाजी गाल सुनो ना मेरे नाल ते गाल ही नहीं तुसी कीती। की हाल है तुहाडा? आप दादू बाजी आए मैं आपको पका के खिलाऊंगी। छोटी देख बनानी पड़ेगी आपको। नहीं छोटी देख तो तेरे वास्ते, मेरे वास्ते बड़ा वाला पतीले चले आके आई हो। बड़ी वाली भी बना लूंगी, कोई मसला नहीं है। बड़ी वाली देख आने इसी बंद करी ना सब पर बट्टे रखी छोड़ा। ये गल सही आई है। वो है ना सही आई ना मारी पेन एग्री करनी मैं। कोई गल नहीं बाजी, मैं बाद चो तुहाडे नाल गल करना। तू वास तू मैनू गल दस, तेनू मेरे नाल जेलसी केड़ी है? की हो गया तेनू? चल से बंदा देख के करता रोनी। बिल्कुल। माय गॉड बार बार वेखदी वी रहंदी है ते मुझे जेलसी देखने में भाई तुम्हें है क्या?
की गल है सोने में कपड़े पाए ने बार बार नाजिन तुसी नोटिस कीता केंदी जेड़े वेले होंदे ने बहुत सोने होंदे ने ते मेरे वाले इशारा कर रही सी ना मैंने कब कहा जो वेले हो तो बहुत खूबसूरत हो अबे मतलब है बहुत काम कर करना ना पीछे कर जी आवाज अच्छा ही अच्छा अच्छा सॉरी मैं साफ कीते ने की गल है नहीं नहीं गल है नहीं मैं बहुत हाइजीनिक हूं आपने सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना हम सफाई से की गल ओ सॉरी 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 जबरदस्त लग रहे हो लेकिन मेरे तो सोने नहीं लग रहे खुल के तारीफ करनी चाहिए मैं बहुत चंगा लग गया थोड़ा ड्रेस यूनिवर्स थैंक यू सो मच मैं भी दे मेरा मतलब है कि मैं भी एक्स्ट्रा वो सिलवाऊंगा अच्छा आपको क्यों दे आपको बताने की कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं आई नो ड्रेस तो फिटिंग सही है लेकिन वैसे तो बड़ा फैशन 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 टेढ़ा मेरा मुंह करके बोल रहे हो तो लेकिन फैशन का कख भी नहीं पता हाँ बिल्कुल Oh gosh, and then to ki gal hai matlab to see mera level jude un mai you cannot match fashion ye hai na bas yahan se pant ko upar kar lena ajeeb aur gareeb glasses pehen ke aa jana iske liye kaina fashion hai बस पटर 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 उबना ये साको मैं आती थोड़ा रिलैक्स करने से जितने सारे नाज़रीन दे पे नको खूबसूरत ये गाना सुनो चिट्टे चने दी चांदनी हाय हाय चिट्टे चने दी जी सारी प्रोडक्शन सारे आपरे ही चैनल आला की हाय हाय ते नाल नाल भी होन के चिट्टे चने दी नो तेरे तो मैं मुंह भने सा ना होने गाने दे समय पे आप लोग नाज़रीन चल कर खूबसूरत गाना देखे मैं इसका इलाज करते बहुत ही बोलता प्लीज आप लोग जाए घुमाया
गला दबा दूं मैं इसका। सारे गाने तो मजे खराब कर देते हैं। इतना खूबसूरत सॉन्ग था, इतना मजे का। सीरियसली यार, ऐसे कौन करता है? मैं सैड हो गया। तो आज की हरकतें देखे, सैड हो गया। इतना खूबसूरत गाना एंजॉय कर रहे थे हम दोनों, हमारे नाज़रीन इतना एंजॉय कर रहे थे और बीच में इतनी फजूल डांस। की हो गया, मैं नहीं एंजॉय कर सकता, मैं भी कीता है एंजॉय। ये एंजॉय ना कर सकना तू क्या शायद, ये बंदा डांस ना अपने अपने आप ही देखी था कर। ए एंजॉयमेंट नहीं आई, ये चीज आपको तबाह करने वाला एंजॉयमेंट आई। तो लोग को भी इरिटेट की कर दे, लोगों को खान वास्ते करने आ चली कुड़ी। आपका वजन देख, आपके करतूत देख। ओ गॉड, तू भी अपना वजन देख, तू देख पंगा कि देना ले रही है। पंगा छेरियां ही नहीं होने पतलियां, तू क्या तेरी मोटी हूं मैं। हां अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है जी, छेरियां में पतलियां अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो कोई गाल नहीं। सारी जिंदगी इतनी खवाई ही शय खा के ना वही शय हड़प खड़प कर करके अपनी हालत देख के कर देती है। ए कर दी किस वक्त ना अम्मी बिचाई दियो, मैं खा शेर से भालू बन गए। भालू तो बोलो तो बड़े क्यूट होंगे ने, तो मतलब नाजरीन देख लिया तू सी मैं क्यूट कहना चाह रही हूँ। बालों की बात नहीं करी, जो पहाड़ा चुने निकले जंगली बालू, वो बालू है कायनात हर टेम्पल हर शोज हाजिर नाजिर थी वेंद है। क्यों यार लफा की क्यों नाजिर होता है, क्योंकि कोई मुंह नहीं लेंदे थाई आके बह वेंद है। किसी और को कार पूछना भी ना, मैं नहीं सुन दूसरी बार से कुछ सवाल ना। मैं कॉल है कायनात, मैं कॉल सुनती हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके देख या पेड़ियां गल करोगे कॉल चली जाएगी। इसीलिए आज ना सारे कॉलर्स ही डिस्टर्ब करना बस। मैं को तो छेड़िया उन्होंने कुल को तार हिला छेड़िए की कीता है। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो कौन कॉल करेगा? ऐसे ही होना है जो अभी हुआ है, राइट। इंसान को ना इंसान वाली हरकतें अच्छी लगती हैं। देख सीधी जी गाल, पाकिस्तान जो आइटम नंबर बन रहे थे उन्होंने मैंने ऑफर भी किया है। हां या बिल्कुल ऑफ कोर्स, तो मैं क्या मैं तोड़े तोड़े आइटम और ना कुछ एटम में आइटम में एटम में को पास है दे सट्टो आइटम आइटम नंबर। ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਏ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ੂ ਜੁਕਤਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਥੀਂਦਾ ਪੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਹੀ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਰੀ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ। ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੁੰਦਾ ਸਾ ਥਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾ ਵੀ ਆ। ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਕੇ ਗਾਲੇ ਚ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਗਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਂਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਂਗੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਰੁਕੀ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੋ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਡੋਰ ਲਪੇਟਣ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਾਲੇ, ਸੌਰੀ 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 ਨੋ ਵਾਲ ਹੈ ਗਾਲੇ ਇਨਸਾਨ। ਹਲੋ ਅਸ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਾਲ? ਅੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਸਰ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਏ ਖਾਨ ਦਾ। ਆ ਡੀਏ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਨ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੱਕੜੇ ਵੱਧੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਥਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਖਸੋ? ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਲੁਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਚਲੋ ਭਾਜਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਛੋੜੋ, ਛਫਾ ਛਫਾਉਲਾ ਰੋਕੜੀ ਦਾ ਲਾ ਛੋੜੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ
जरूर थारी फरमाइश सब पूरी करेसू लेकिन उस वास्ते थाकू साडा अगला शो देखना पौसी। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है पक्का पक्का जी पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है चलो आप ढेर सारा ख्याल रखें क्योंकि उस गाने वास्ते था को नेक्स्ट शो तो करना है। थैंक यू सो मच कॉल करने का क्योंकि नेक्स्ट वाला मैं ओ माय गॉड यूनिवर्सली गॉड ओ माय गॉड बस कर दो तुम रॉनी तुम्हारा उसने पानी पानी कर ओ माय गॉड बात भी करो चुप भी करो गल भी करने दे आ करो गल नहीं करने देनी हमरा बोली जांदी ना बोली जांदी ना क्योंकि पिक ऑफ तौबा मैं की करा तेरी गल सुन गल सुन ओ माय गॉड यूनिवर्स जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं था जंग से बात कर रहा हूँ जी सादिक अली। जंग से बात कर रहे हैं सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है शुक्र है। तो अपना हाल सुनाओ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम लाला टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर रहे सो बात सुकून नाल गल थी सी। अच्छा जी मैं थारे नाल गल करनी आप उल्टा आवाज नहीं सुननी मेरी मुश्किल थारी कॉल मैं को लगदा मिल लिए लाइव शो में ज्यादा हो गया तो हमें अल्लाह हाफिज कहना होगा एंड जाओ अब ठीक है। और आज का शो थैंक यू सो मच कायनात थैंक यू सो मच आप लोगों का आप हमारा शो देखते हैं अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और मुझे और कायनात को और मेरी पूरी के टुकड़े तो क्या है ना और रोनी की तरफ से भी जी नजर बट्टू सैम भूल रही हूँ नजर बट्टू को भी या इसको रेंदो से फिर कुछ ना कुछ कह देना जी। हमारी तरफ से हमारी पूरी केटी टेलीविजन की टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज सेम टाइम सेम चैनल में हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।